बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड इंफो न्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमजान शरीफ में सदकाए फित्र कितना अदा करें। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इंफो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सदकाए फित्र कितना अदा करें। दोस्तों, वैसे तो आम तौर पर सदकाए फित्र गेहूं के वजन के हिसाब से अदा किया जाता है, जो 2 kg 45 ग्राम गेहूं या आटा उसके बराबर रकम है। दोस्तों, गेहूं का वजन उनकी क्वालिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लिहाजा सदकाए फित्र की अदायगी के वक्त यह ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए पर कम न हो, क्योंकि कम होने की सूरत में सदकाए फित्र अदा ही नहीं होगा। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि गेहूं और जौ देने की बजाय उनका आटा देना अफजल है, और उससे भी अफजल यह है कि उसकी कीमत दे दे। कीमत अदा करने में इसका लिहाज रखे कि बेहतरीन किस्म के गेहूं वगैरह की कीमत दे। इन चार चीज़ों के अलावा अगर दूसरी चीज़ों से फितरा अदा करना चाहते हैं, मतलब यह कि चावल, जवार, बाजरा या और कोई गल्ले हो या कोई चीज़ देना आप चाहते हो, तो उसकी कीमत का लिहाज करना होगा। यानी वह चीज़ आधे आस गेहूं या एक आस जौ की कीमत की हो, यहाँ तक कि रोटी दे तो उसमें भी कीमत का लिहाज किया जाएगा, अगर अगरचे गेहूँ या जौ की हो। दोस्तों, फितरे का वाजिब होने से पहले एडवांस में देना भी जायज है, जबकि वह शख्स मौजूद हो जिसकी तरफ से अदा किया जा रहा हो, चाहे रमजान शरीफ के पहले अदा कर दे, और अगर फितरा अदा करते वक्त माली के निशाब न था फिर हो गया तो फितरा सही है। और बेहतर यह है कि ईद की सुबह शादी होने के बाद और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे। दोस्तों, एक शख्स का फितरा एक मिस्कीन को देना बेहतर है, और एक से ज़्यादा मिस्कीनों को भी दे दिया जाए जबकि जायज है। इसी तरह एक मिस्कीन को एक से ज़्यादा लोगों का फितरा देना भी जायज है, अगर जिस सब फितरे मिले हुए हो तो। दोस्तों, अगर शौहर ने औरत को अपना फितरा अदा करने का हुक्म दिया हो तो उसके शौहर के फितरे के गेहूं अपने फितरे के गेहूं में मिलाकर कब फकीर को दे दिए, और शौहर ने मिलाने का हुक्म ना दिया था तो औरत का फितरा अदा हो गया शौहर का नहीं, मगर जबकि मिला देने पर उर्फ जारी हो, यानी ऐसा होता रहता है, तो शौहर का भी अदा हो जाएगा। दोस्तों, औरत ने शौहर को अपना फितरा अदा करने की इजाज़त दे दी, उनसे औरत के गेहूँ अपने गेहूँ में मिलाकर सबकी नीयत से फकीर को दे दिए तो जायज है। अपने गुलाम की औरत को फितरा दे सकते हैं, चाहे उसका खर्च उसी पर हो। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना बरकतों वाला है, तो जितना हो सके आपके पास जितना भी रकम है, अल्लाह पाक ने आपको जितना भी अर्ज किए हैं, अल्लाह पाक ने आपको जितना भी दिए हैं, आप अपनी मेहनत से जितना भी कमाई कर रहे हैं, आपके पास जो भी रकम है उसमें से आप जो भी नियम है आप उसे दीजिए। दोस्तों, हर अच्छी बात आपके पास अमानत होती है, और अमानत को जितना जल्दी हो सके दूसरों तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन बातों को सुनकर सिर्फ अपने तक ही ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। वह इस बात पर भी अमल करेंगे और अल्लाह पाक उन्हें तौफीक देंगे कि वह इस अमानत को और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।